Hi everyone, I am Bobby Kumar. I will talk today linear transformations. Okay, so in this video we will discuss linear transformations. So मैं आपको बता दूं इस वीडियो में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके, एज यू नो दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी डायरेक्टली से क्वेश्चन पूछ लेता है. ठीक है, तो आप जान जाएंगे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा. ठीक है, तो आप देखेंगे किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है. ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन सिंपल होंगे. ठीक है, बट थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है. ठीक है, वैसे इसमें सोचने का इतना भी कुछ है नहीं, नो डाउट, बट थोड़ा सा तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेरा कहने का मतलब ये. ठीक है, तो बात करें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो मैं यही कह रहा हूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आपको बता दूँ कि जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया है, ठीक है, इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको डायरेक्ट सम और जो क्वाशेंट स्पेस जो पढ़ाया था. ठीक है, उनमें वो दोनों लेक्चर जो मैंने दिए हैं समथिंग, उनमें तीन लेक्चर मैंने अभी तक 3/4 के समथिंग लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं. तो उनमें मतलब जो 3/4 लेक्चर जो मैंने पढ़ाए हैं क्वेश्चन स्पेस और डायरेक्ट सम से रिलेटेड, वो यूपीएससी के यूपीएससी सिलेबस में नहीं है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ मैं, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है. ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम बता दूँ कि एक तरह से एक मैपिंग होती है. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक मैपिंग होती है, जैसे कोई फंक्शन किसी सेट से अदर सेट पर डिफाइन होता है उसी तरह तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे डिफाइन करते हैं. ओके, सो देयर इज नो डाउट. इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर तो देन यू कैन कमेंट. ओके, दिस इज आई एम सेइंग फॉर द व्यूअर्स. ओके, सो नाउ सो इन दिस वीडियो we will talk linear transformation. Okay, so this is very important. Okay, so in this video we will discuss how to check a linear transformation, it is linear transformation or not. Okay, so in this video we will discuss some facts related to linear transformation and some theorems related and some some examples of the linear transformations. Okay, so now let us start. Well, as a definition we will I will give you some definitions of the linear transformations. Okay, as a definition main baat karunga aapko, let u and v be two vector space over F. ओके, कोई मैंने कोई तो वेक्टर स्पेस ले लिया मैंने ओवर द फील्ड F. ठीक है, फील्ड F, देन ये मैपिंग T सच दैट U to V इज सेट टू बी linear transformation. Okay, if it preserves vector addition, then it is there. Then the mapping T is said to be linear transformation if it preserves vector addition and scalar multiplication. Okay, then if we can say that U1 plus U2 equal to T U1 plus T U2. Okay, for all U1, U2 belongs to U. Okay, it goes to in U. And second condition is that T alpha U belongs to alpha is equal to T U. Okay, for all alpha belongs to F and U belongs to U. Okay, so
So this is the definition of the linear transformation. We can say that this is the definition of the linear transformation. Now, we will see other definition of the other. और करके देख लेते हैं, ठीक है, और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, ठीक है, और करके या फिर देखो इस पर ये थ्योरम भी दे सकता है या फिर एज ए डेफिनेशन भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, डेफिनेशन जो है या फिर एक एज ए थ्योरम भी दे सकते हैं, ठीक है, सुन लेंगे। सेकंड क्या है, मैं कह रहा हूं कोई, अब देखो लेट इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए किसी वेक्टर किसी इस फंक्शन के लिए जो मैपिंग है मेरी, तो मैं कह रहा हूँ जो मेरा टी है वो क्या कहलाएगा, मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है, अगर ये वाली दोनों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाए तो मैं कहूंगा जो मेरा टी जो है मेरा क्या कहलाएगा, टी इज सेड टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ लेट यू एंड बी बी टू वेक्टर स्पेसेस, मैंने तो वेक्टर स्पेस लिया ओवर द फील्ड एफ, देन ए मैप, ए मैप टी सच दैट यू टू बी इज सेट टू बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ एंड ऑल इफ टी अल्फा यू प्लस बीटा बी, टी अल्फा यू वन प्लस बीटा यू टू इक्वल टू अल्फा टी यू वन प्लस बीटा टी यू टू, ओके, फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू एफ स्केलर है आर स्केलर एंड यू वन कॉमा यू टू बिलोंग्स टू यू, ओके, so this is the other definition of the linear transformation. We can define the linear transformation by any other definition. Okay, so let U and V to any vector space are two vector spaces and then a mapping T U to V from U to V said to be linear transformation if and only if it satisfies four condition T alpha U plus beta U बीटा यू टू इक्वल टू अल्फा टी यू वन प्लस बीटा टी यू टू फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड यू वन यू टू बिलोंग्स टू यू एंड फर्स्ट इज टी यू वन प्लस यू टू इक्वल टू टी यू वन प्लस टी यू टू एंड अदर इज टी अल्फा यू इक्वल टू अल्फा टी यू वेयर अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू यू, ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आई विल टॉक नाउ some other definitions I will take the some theorems related to it. So, ये हुई definition, ठीक है, अब मैं बात करूंगा, पहले मैं देखो मैं एक एक, एक sequentially मैं पढ़ा के चल रहा हूँ, इसमें भी sequentially इस वाले lecture में जो पढ़ाऊंगा, ठीक है, सिक्वेंसली पढ़ाऊंगा, सिक्वेंसली मतलब जैसे मैंने अभी आप डेफिनेशन बताई इससे इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं कुछ थ्योरम करा दूं, ठीक है, क्या करा दूं, थ्योरम्स पढ़ा दूं, ठीक है, अब जो मैं यूज करूंगा ठीक है, यूज करने के बाद आपको लगेगा हाँ पहले इनका बताना मुझे जरूरी था, ठीक है, तो समझ लेते हैं, आज थोड़ा मार्कर थोड़ा सा बेकार चल रहा है, ठीक है, कोई नहीं, इंक थोड़ा ज्यादा हो गया इसमें, थ्योरम क्या है, थ्योरम देख लेते पहले, ठीक है, थ्योरम के बाद फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्टली आप एग्जांपल्स दूंगा तो उनका प्रूफ करना है मुझे, ठीक है, इसी वाले लेक्चर में पहले मैं देख दे थ्योरम बता दूं, छोटी छोटी थ्योरम सर, नो देयर आर नो लॉन्गर थ्योरम, ओके, दिस इज स्मॉल थ्योरम, सो वी टॉक एज ए लेम्मा, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ऑलरेडी गिवन द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आई विल talk some theorems as a lemma or a lemma. Now after it I will talk the definition, I will talk the examples of the linear transformation.
ओके एंड विच आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट. ओके आफ्टर दैट आई विल प्रूव दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. हाउ कैन यू चेक दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट. ओके आप कैसे पता करेंगे कि जैसे यह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और नहीं. ठीक है तो देखिए भाई दो फॉर्म से बहुत स्मॉल चीज. ठीक है तो सपोज लेट यू एंड बी बी टू वेक्टर स्पेसेस. ओके ओवर एफ. ठीक है एंड लेट T such that U to B V a linear transformation okay then suppose U to B add vector space over the left and let T U यू टू बी ए कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन फर्स्ट टी जीरो इक्वल टू जीरो. ओके मैंने जीरो को ऑपरेट मतलब टी को जीरो पे ऑपरेट किया तो मुझे क्या मिला जीरो. एंड सेकंड इज दैट टी माइनस यू इक्वल टू माइनस टी यू. ओके ये बोथ आई विल प्रूव नाउ. प्रूफ ले लें प्रूफ फर्स्ट क्या है. ठीक है अभी equal to t0 okay because t is ld okay t is t mein kya ld de rakha hai maine kya bataya t is ld maine jo first definition batayi thi wo jo definition batayi hai maine ye aapko koi t u to b kya mera linear transformation hoga t u1 plus u2 is equal to t u1 plus t u2 ye to tha. second is that t alpha u is equal to alpha कंडीशन होल्ड हो जाए तो पहली कंडीशन मेरी क्या अब देखो टी क्या मेरे जब एल टी दे रखा तो ये वाली कंडीशन होल्ड होगी नहीं होगी ये वाली कंडीशन होल्ड होगी. ठीक है ना ठीक है अब ये होगी मेरी होल्ड होगी कंडीशन. ठीक है अब देखो ये टी जीरो भी क्या एक वेक्टर किस में होगा बी में होगा नहीं होगा ये बी में होगा. अब वी अब टी जीरो भी एक एलिमेंट होगा क्या होगा एक एलिमेंट होगा किसका वी का. अब वी क्या मेरा वेक्टर स्पेस है वेक्टर स्पेस है इसमें इट मींस इसके लिए क्या एक आइडेंटिटी एक्ज्यूम लेगा आइडेंटिटी एक्ज्यूम जानते होंगे. सपोज करो कोई मेरे पास कोई वी क्या मेरा वेक्टर स्पेस है वेक्टर स्पेस इट मींस एडिशन के लिए क्या एडिशन के लिए ग्रुप है एडिशन के लिए कम्यूटेटिव ग्रुप है इट इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप. ओके इट इज कम्यूटेटिव ग्रुप देयरफॉर देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट कैसा होगा वो टी जीरो प्लस जीरो इक्वल टू टी जीरो. अरे कोई सेट में मैं करूँ ये कोई ग्रुप है ठीक है कैसा कम्यूटेटिव ग्रुप है. अब इसके लिए देखो जो मेरी ए तो होती है ए प्लस ई इक्वल टू ई प्लस ए इक्वल टू ए. ओके अब एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो जीरो प्लस ए इक्वल टू जीरो सॉरी ये तो होता है. अब ये कोई एलिमेंट हो गया मेरा ठीक है उसको इसकी फॉर्म में नहीं लिख सकता मैं वी कैन राइट आल्सो इट गोज टू इन इन वी सो देयरफॉर टी जीरो इक्वल टू इट कैन बी रिटन एज नाउ सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट फ्रॉम हियर फ्रॉम इट एंड इट वी कैन फाइंड टी जीरो प्लस टी जीरो इक्वल टू टी जीरो प्लस जीरो एंड बाई लेफ्ट कैंसिलेशन टी जीरो इक्वल टू जीरो by left cancellation we find t0 equal to t0 so this is proof. now we will start second. okay I will type now second theorem second part of the theorem. so second part is that we have u प्लस माइनस यू इक्वल टू जीरो वी कैन राइट और नॉट. ओके देखो ये कैसे माइनस अब देखो पहले एक चीज बता दूं आपको
जानकारी होगी वैसे मैं लेट तो सम का है जैसे पता ही थोड़ा देखो अब सब लेट u बिलोंग्स टू यानी u में ले लिया u क्या मेरा वेक्टर स्पेस है अब देखो जब मेरा u वेक्टर स्पेस है ठीक है u कैसा वेक्टर स्पेस है इट मींस जब एडिशन तो इसके लिए क्या ये क्या होगा जब वेक्टर स्पेस होगा ये क्या होगा एडिशन के लिए इसके कम्यूटेटिव ग्रुप होगा इट मींस देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स एलिमेंट के क्या होगा इसका माइनस यू बिलोंग टू ऑल्सो यू अरे जब यू बिलोंग कर रहा है इसमें तो माइनस यू तो बिलोंग करेगा क्योंकि जब यू क्या है वेक्टर स्पेस है किसके लिए एडिशन के लिए जब वेक्टर स्पेस हो तो ये क्या होगा कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव एडिटिव ग्रुप होगा या कम्यूटेटिव एडिटिव ग्रुप होगा देयरफॉर माइनस यू ऑल्सो बिलोंग टू यू देयरफॉर वी कैन राइट सो वी हैव u प्लस माइनस यू इक्वल टू जीरो ओके देयरफॉर नाउ वी ऑपरेट टी u प्लस माइनस यू इक्वल टू जीरो टी जीरो ओके एंड टी जीरो इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट टी जीरो इक्वल टू जीरो ओके देन ऑपरेट टी यू प्लस माइनस टी यू ओके सो फ्रॉम ए फर्स्ट फ्रॉम हियर वी फाइंड टी माइनस यू इक्वल टू माइनस टी ओके सो बोथ आर ट्रू सो इट कैन बी आस्क्ड बाय यूपीएससी ओके बट मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी इन दोनों को पूछेगी ठीक है तभी मैं जानकारी लूंगी अब देखो इनसे देखो ये वाला फर्स्ट पॉइंट है मैं इसको बहुत यूज करूंगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हाउ कैन यू चेक दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट ओके डायरेक्टली आप इस वाली कंडीशन को आप अप्लाई कर देंगे तो आप कहेंगे आप इस वाली कंडीशन को जानते हैं और आपको ये वाली कंडीशन नहीं याद है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो आपके कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी और नॉट ओके ठीक है अब देखो मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करता हूँ ठीक है एग्जाम्पल्स की बात कर लें ठीक है भाई देखो एग्जाम्पल्स की बात करूं मैं एग्जाम्पल नंबर वन देखो जीरो पे यू टू भी मिल जाएगा तो मुझे और जीरो पे डिफाइन कर दूंगा तो उसमें मुझे जीरो मिलेगा ठीक है ये बता दूं कोई देखो जीरो क्या है जीरो पे मुझे मैपिंग है जीरो मैपिंग ठीक है वो जीरो ऑपरेट कर जीरो क्या ऑपरेटर पे आप तो यू टू भी ठीक है तो जीरो यू इक्वल टू जीरो ये क्या बन जाएगा तो देन जीरो इज एल डी इट मीन जीरो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ओके सेकंड इज दैट नाउ सेकंड एग्जांपल इज दैट सपोज टी सच दैट आर टू इज आर टू आर टू ओके आर टू टू आर टू ओके एंड डिफाइंड एज टी ए कॉमा बी इक्वल टू ए कॉमा बी एंड टी ए कॉमा बी इक्वल टू ए कॉमा जीरो टी ए कॉमा बी इक्वल टू जीरो कॉमा बी एंड ए प्लस बी कॉमा जीरो सो टी ए कॉमा बी ओके सो सेम है ना तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको इस तरीके इस बोथ आर ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओके सेकेंड एंड थर्ड इज टी सच दैट आर क्यू टू आर स्क्वायर टी जो डिफाइंड है इस तरीके से ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू ए कॉमा बी ए ए प्लस बी कॉमा जीरो ए कॉमा सी और डिफाइन कर सकता हूँ मैं सी कॉमा बी तो देर आर मेनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओके सो एंड दिस इज थर्ड एंड आई विल टॉक द फोर्थ ओके आई विल टॉक द फोर्थ एग्जाम्पल इज दैट देखो पहले देखो ये देख चेक कर लूँ मैं अभी बताता हूँ फोर्थ एलिमेंट जब फोर्थ एग्जांपल अभी बता दूँ पहले इसको चेक कर लीजिए तो है कैसे देखो मैं कैसे कह रहा हूँ हाउ कैन यू से दैट दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट ओके सो देखो आई नो दैट एनी इफ टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन टी जीरो इक्वल टू जीरो विल अप्लाई दिस कंडीशन फॉर चेक द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओके टू चेक द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी विल अप्लाई दिस कंडीशन If we apply देखो if we apply here तो t 0 0 so define 0 0 okay here t 0 0 define 0 0 t 0 0 here 0 t 0 0 0 here t 0 0 here 0 t 0 0 here also be 0 okay so all the condition t 0
are satisfied, so they can, therefore we can say that T is LT. LT means linear transformation. Okay. Now, I will give the other examples of the linear transformation now. Example number 4. Okay. I will also tell you that how can you check this, this is linear transformation or not. Okay. So, ये भी इम्पोर्टेंट होता है. आपको कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा, क्वेश्चन यूपीएससी बनाते कि नहीं भाई ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, इसको शो करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है. ओके, तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है, ये देख लेते हैं. तो देखो पहले, अभी पहले कुछ एग्जाम्पल बता दूंगा और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको ऐसा एग्जाम्पल कराऊंगा यहाँ पे आपके सामने भी, कैसे चेक करेंगे वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं. ठीक है, देख लेते हैं. देखो मैं कहूं कि एफ टू एक्स या आर टू एक्स, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री, ओके, आर टू एक्स, ठीक है, वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है, क्या होता है ना, वेक्टर स्पेस होता है. ओके, तो ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करता हूं मैं यहां से आर टू एक्स पे, कहां पे, आर पे, कहां पे, आर पे डिफाइन करता हूं मैं, ठीक है, वो डिफाइन करता हूं उस तरीके से कि सपोज करो अल्फा नॉट प्लस अल्फा वन एक्स प्लस अल्फा टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा नॉट कॉम अल्फा, ओके ओके, आई कैन से दैट अल्फा कॉमा अल्फा टू, ओके, हियर आर क्यू, सपोज वी डिफाइन दिस टाइप ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, सो दिस इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट विल अप्लाई जीरो जीरो जीरो, अल्फा अल्फा वन अल्फा टू विल बी जीरो, देयरफॉर इट विल बी जीरो, ओके, दिस इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. एंड fourth is, I will talk fourth. So and fourth example is that I will talk CA of AB. Okay, and the set of all real value, the set of all real value continuous function. The set of all real value continuous functions. Okay. We define any from here C A comma B to R. Okay, compare different term है C A to B R. ठीक है, C A to B R. दो और define मैं कर सकता हूँ इसको. Suppose करो f of x यहाँ पे क्या continuous function है, कोई suppose करो मैं continuous function इसका ये भी एक element और मैं इसको define करता हूँ A to x. Okay. A to x कुछ भी मान लो, A to b मान लो, ठीक है, f of x dx, it gives a real number, therefore we can, this is also a linear transformation. Okay, now I will give the example which are not linear transformation. First, अब मैं उन एग्जांपल्स को देने जा रहा हूं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं कौन से नहीं है. टी सच दैट, कोई डिफाइन करता हूं मैं यहां से आर क्यू टू, अपने कोई भी डिफाइन कर सकता हूं मैं, कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि कोई जो बुक में दे रखी है वही हूं, आप खुद बना सकते हो, ठीक है. और जो डिफाइन इसको मैं कर रहा हूं कि ए कॉमा बी कॉमा सी टू ए प्लस वन कॉमा बी, ओके, दिस इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो, ओके, बिकॉज वी पुट 0, 0, 0, इट गिव्स आल्सो 1, 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0, बट वी हमें ये होना चाहिए था ये वाला 0, 0, ये क्या होना चाहिए, बट वी फाइंड दिस, देयरफॉर इट इज नॉट ए एलटी, एलटी मींस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ सेकंड, टी आर टू टू आर P of A comma B mod A, okay,
second and third is if such that r 2 to r 2 t of a comma b equal to a plus 1 comma b plus 1 and you can say u plus 1 comma 0 0 comma b plus 1 and also you can get 1 comma 0 okay 0 comma yeah you can say that 1 comma 0 yeah or 1 comma 0 1 comma b it is also not a linear transformation because t0 is not equal to 0 so this is these are not linear transformation okay also the examples of the non-linear transformations okay now I will give an examples and also I will see that okay अब मैं ऐसे एग्जांपल की बात करूंगा ठीक है जिसको मुझे प्रूफ करना है देखो अब मैं क्वेश्चन जो लेने जा रहा हूँ ठीक है वो इम्पोर्टेंट है आपको उसको अच्छे से देखना है ठीक उसमें है क्या कि जो एग्जांपल जो ले रहा हूँ उसमें ये दिखाऊंगा कि कोई भी जो लीनियर सपोज कर मैं इसी को ले लूँ ठीक है वैसे नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ठीक अब मैं कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है मुझे सपोज करो यहाँ पे मैं कह दूँ ये हट गया मैंने इसको वन को रिमूव कर दिया अब मैं ये कह रहा हूँ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आई एम चेक दैट आल्सो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज t0 = t0 = t0 कंडीशन होल्ड देखो इट इज लीनियर अब मुझे प्रूव करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है ठीक है सो अब देखो अब मुझे प्रूफ करना है कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कुछ बढ़िया सा ठीक है अगर भाई लोगों अगर आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम है या तो मैं इंग्लिश में कन्वर्ट टोटल इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ और इंग्लिश वालों को और हिंदी वालों को प्रॉब्लम है तो मैं हिंदी में पढ़ा ही रहा हूँ ठीक है और दोनों का मिक्स करके चलता हूँ ठीक है अब किसी को हिंदी में प्रॉब्लम आती है ठीक है लैंग्वेज में वैसे कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि आप जब यूपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं ठीक है या जब बीएससी लेवल का एमएससी लेवल का मैथ पढ़ते हैं हम लोग तो हमें जानकारी हो जाती है देयर इज नो प्रॉब्लम ओके ठीक है देख लेते हैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं ठीक है जिसको मुझे प्रूफ करना है कि इट इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट ओके सपोज करो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास और वो दे रखी है मेरी v3 r2 v2 r ओके तो जो डिफाइंड है वो इस तरीके से डिफाइंड है टी ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री इक्वल टू जो डिफाइंड है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरीके से डिफाइंड है आपकी कि थ्री ए वन माइनस टू ए टू प्लस ए थ्री कॉमा एंड ए वन माइनस थ्री ए टू माइनस टू ए थ्री ओके देन सो दैट इट इज टी इज एल टी ओके मुझे प्रूफ करना है कि टी इज एल टी मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं ठीक है आई वांट टू शो दैट टी इज एल टी इफ इट क्वेश्चन इज दैट इफ टी इज एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हियर टू हियर एंड डिफाइंड एज एज देन शो दैट टी इज एल टी ओके सो नाउ आई विल प्रूफ सॉल्यूशन देख लेते हैं ठीक है लेट अल्फा इक्वल टू हमें कहां जाना है देखो राइट जनरल आइडिया ले लो Now, if you want to check the linear transformation, first of all, you go on the definition of the linear transformation. Okay. If you know about the, if you remember the definition of the linear transformation, then you can check the linearity. Okay. Linearity means linear transformation. Okay. So, let alpha is equal to a1, comma a2, comma a3, and be the equal to b1 comma b2 comma b3 belongs to b3 r okay मैंने कोई वेक्टर स्पेस लिए कोई एलिमेंट ले लिए कहां से इससे दो एलिमेंट लिए मैंने ठीक और जो मेरी डेफिनेशन थी मेरी सेकंड वाली डेफिनेशन क्या थी सेकंड डेफिनेशन और करके जो डेफिनेशन लिखी थी मैंने ये लिखी थी कोई t अल्फा u प्लस बीटा v
अल्फा यू अल्फा टी यू प्लस बीटा टी बी फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू एफ एंड यू कॉमा बी बिलोंग्स टू यू। ओके ये तो डेफिनेशन थी मेरी, ये सेकंड वाली डेफिनेशन तुम्हें लिखी थी, ठीक है। इस डेफिनेशन को यूज करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये लेके मैंने, अब देखो क्या करना मुझे, मतलब टी अल्फा इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे पहले टी अल्फा की वैल्यू देखो, तो टी अल्फा मतलब ए वन, टी अल्फा का मतलब क्या, टी ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री इक्वल टू, इसको क्या रखना मुझे, इसको अप्लाई करना है किसमें, इस वाली में। तो देखो ये अब ये ए वन ए टू दे रखे हैं, तो इसको मैं ये रख सकता हूँ थ्री ए वन, ये कुछ भी दे रखा हुआ यहाँ पे, ए बी सी मान लो मैं सपोज करूँ ए बी, ठीक है, या ए कॉमा बी कॉमा सी मान लूं, ठीक है, या ए मान लिया मैंने कोई बी मान लूं और ये सी, ए एंड सी, ओके देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई डिफाइंड है इस तरीके से, टी ए बी सी इक्वल टू थ्री ए माइनस टू बी माइनस टू बी प्लस सी एंड ए माइनस टू बी माइनस टू सी, ए माइनस थ्री बी माइनस टू सी, ओके लाइक अल्फा कॉमा अल्फा इक्वल टू ये लिए, बीटा इक्वल टू ये लिए मैंने, ठीक है। देन वी फाइंड थ्री ए वन माइनस टू ए टू प्लस सी, सी मतलब ए थ्री कॉमा ए वन माइनस थ्री ए टू माइनस टू ए थ्री, ओके। सिमिलरली टी बीटा बी वन कॉमन बी टू कॉमन बी थ्री, बी वन कॉमन बी टू कॉमन बी थ्री इक्वल टू थ्री बी वन माइनस टू बी टू प्लस बी थ्री कॉमन बी वन माइनस थ्री बी टू को माइनस टू बी थ्री, ओके क्वेश्चन इज दैट, ओके ठीक है, ये क्वेश्चन है। नाउ लेट a comma b belongs to f are two scalars, then a alpha plus b beta belongs to b cube r में, ओके ये कहाँ जाएगा कॉम्बिनेशन, किसमें जाएगा ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन, अब देखो अरे ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसमें जाएगा, b cube r में जाएगा, नहीं ये वेक्टर स्पेस किसके हैं, अल्फा बीटा एलिमेंट किसके हैं, ये b थ्री r के, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसमें जाएगा। नाउ p अल्फा u सॉरी टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, नाउ आई वांट टू प्रूव दैट टी एल, हमें प्रूव करना है, मुझे मैं ये चाहता हूँ कि टी अल्फा ए यू सॉरी ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, ये मुझे प्रूव करना है, ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ, ठीक है। ये वाली कंडीशन थी ना मेरी वेक्टर स्पेस के लिए, सॉरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नाउ अब देखो मैं कह रहा हूं उसको टी, ओके नाउ ए अल्फा की वैल्यू क्या था मेरी, अल्फा की वैल्यू ए वन है, ए अल्फा की वैल्यू ये रखा ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री प्लस बी, ओके बी वन कॉमा बी टू कॉमा बी थ्री, ओके नाउ मल्टीप्लाई टी ए वन ए ए वन ए ए वन प्लस फर्स्ट एलिमेंट बी बी वन कॉमा सेकेंड एलिमेंट ए ए टू प्लस सेकेंड एलिमेंट बी बी टू कॉमा ए ए थ्री प्लस बी बी थ्री बी बी थ्री, ओके। अब देखो ये एक एलिमेंट मिल गया मुझे, एक दो सेकेंड फर्स्ट सेकेंड तक मतलब तीन एलिमेंट मिले मुझे यहाँ पे, अब मुझे ऑपरेट क्या करना, टी को ऑपरेट करना इन एलिमेंट पर, और ये कैसा टी, अब देखो टी ए बी सी सपोज करो मैं इसको मान लू पी क्यू आर, ठीक है, तो टी पी क्यू आर इस तरीके से डिफाइन होगा, तो ए बी सी के पी क्यू आर मिल गया ना, तो इस पर डिफाइन होगा नहीं होगा, ये इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, तो मैं इसको इस पर डिफाइन करता हूँ, ठीक है, ऑपरेट हो जाएगा ना ये टी, ये एलिमेंट पूरा मिल गया मुझे एक एलिमेंट ए की जगह, ये बी की जगह सी की जगह, तो इसको टी ए बी सी को इस तरीके से डिफाइन करूंगा नहीं करूंगा, ठीक है, तो अब मुझे मिल जाएगा ये, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ ये वाली, तो देखिए थ्री
a1 plus b b1 minus 2 minus 2b ये वाला एलिमेंट minus 2b a2 plus b b2 plus c c a a3 plus b b3 okay comma and now multiply for this now for this a a1 plus b b1 minus 3 a a2 अब b की वैल्यू मेरी क्या है ये वाली a 3 प्लस एंड b b2 प्लस एंड माइनस सॉरी माइनस 2 a a3 वैल्यू ऑफ c कर लीजिए एट प्लस b b3 ओके नाउ देयरफॉर बी फाइंड द फ्रॉम हियर a 3 a 3 तो हियर a इज कॉमन हियर a इज कॉमन हियर a इज कॉमन तो वी आउट हियर a तो वी टेक आउट a तो देयरफॉर वी फाइंड 3 a 1 एंड माइनस 2 a 2 एंड माइनस सॉरी प्लस a 3 ओके प्लस b From here, B out, B take out, B, B. So, B and B and B. So, B take, we get here 3B1 minus 2B2, okay, minus 2B2 plus B3, okay. And the next element is here, comma, है ना यहाँ पे comma लगा हुआ तो ये element इसमें similarly here B take out A. So, A1 ए वन माइनस थ्री ए टू माइनस टू ए थ्री प्लस बी बी वन माइनस थ्री बी टू माइनस टू बी टू ओके वी फाइंड इट नाउ बोर्ड छोटा है तो थोड़ा मुझे कंजम्पन करके चलना पड़ता है ठीक है तो देख लेते हैं ठीक है अब इसको देखो ये ए की वैल्यू होगी बी की वैल्यू होगी अब देखो मुझे क्या करना है अब ये वाले टर्म मुझे ये कॉमा है ना यहाँ पे भी ये कॉमा है ये वाला टर्म पूरा हो गया ये वाला तो एक एक ही ब्रैकेट के अंदर है ये वाले दोनों ये वाले टर्म और ये वाले दो टर्म में ब्रैकेट करना ठीक है अब ए इसमें कॉमन है इसमें कॉमन है इसको मुझे लिखना है क्या लिख सकता हूँ इसको ए इसमें जो एलिमेंट आ जाएंगे थ्री ए वन माइनस टू ए टू प्लस ए थ्री ओके कॉमन एंड ए टू सॉरी ए वन माइनस थ्री ए टू माइनस टू ए थ्री देखिए है क्या अब पहले ही वाला एलिमेंट है ए वन ए से मल्टीप्लाई ए को मैंने इसमें से कॉमन लिया इसमें से ए वाले टर्म को फिर बी वाले टर्म को मैंने कॉमन लिया सिमिलरली इसमें से ए को मैंने कॉमन लिया और बी सिमिलरली बी को कॉमन लिया अब देखो ए वाले टर्म को मैंने एक इकट्ठा किया मैंने एक कलेक्ट ए वाले टर्म को मैंने कलेक्ट किया ए वाले टर्म मुझे ए वाले मिल गए नहीं मिल गए सिमिलरली मैं बी वाले टर्म को कलेक्ट करूंगा यहाँ पे तब बी वाले टर्म को कलेक्ट करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे तो समझना यहीं पे बस कुछ नहीं है ये तुमने समझ लिया ना ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लो पूरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गायब हो गई समझ गए ये समझ लो सारे क्वेश्चन आपको और कोई सा कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कि इसको शो करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है तो आप मतलब कर सकते हैं देयर इज नो डाउट ओके नाउ हियर वी विल टेक कॉमन बी सो बी सो थ्री बी वन माइनस टू बी टू प्लस बी थ्री एंड b1 minus 3b2 minus 2b2 okay now we have no we know that in the question देखो question में जो मैंने यहाँ पे रब कर दिया यहाँ पे तो ये वैल्यू किसकी थी मेरी ये थी किसकी ये एप्पल हो जाएगी मेरी ये टी अल्फा की वैल्यू थी ये देखो अब अभी जो मैंने यहाँ पे रब कर दिया यहाँ पे ये टी अल्फा की वैल्यू हो गई थी मेरी प्लस बी ये किसकी वैल्यू हो जाएगी टी बीटा की
आप मैंने यही माना था अल्फा इक्वल टू, अल्फा इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री, फिर टी अल्फा इसका ऑपरेट किया था, ओके टी ए वन ए टू ए थ्री ये वाला टर्म मिला था मुझे, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, टी अल्फा की, ए अल्फा की वैल्यू हो गई भाई। सिमिलरली ये किसकी वैल्यू होगी, टी बीटा की, क्योंकि बीटा इक्वल टू बी वन बी टू बी थ्री माना था, ए बीटा। देयरफॉर डिफाइन टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, ओके हेंस दिस इंप्लाइज टी इज एल टी, ओके। तो टी मेरा कैसा हो गया, टी लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है, यूपीएससी में आ सकते हैं, जो आपके बीएससी एमएससी में तो मतलब आते ही, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जो बीएससी एमएससी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एमएससी में तो नहीं आएगा, क्या बीएससी में ही आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि बेसिस वहां पे आपको तैयार करना होता है, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ये है या नहीं है, और यूपीएससी हमेशा बीएससी के क्वेश्चन पूछे, यूपीएससी हमेशा आपसे कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगी, यूपीएससी सिर्फ आपकी नॉलेज को चेक करती है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में मेरे हिसाब से यूपीएससी का बहुत इजी पेपर बनता है, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए लेक्चर में और कुछ नई टॉपिक के साथ, नया टॉपिक क्या मेरा यही टॉपिक चलेगा अभी तो, खैर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि बहुत लेंथी है, इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, इसको मैट्रिक्स से भी ऐड करके चलना है मुझे भी, मैट्रिक्स के साथ इसका ऐड है, इसको मैट्रिक्स के साथ इसका एडिशन कैसे है, वो लीजन कैसे है, ठीक है, वो भी जानेंगे क्या है कुछ नहीं, ठीक है, सब कुछ पता हो जाएगा, गारंटी है मेरी की। और यूपीएससी का अपना हसल देखो, जितने भी क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी में आए होंगे और आ रहे हैं, ठीक है, इस बार भी आएंगे 2020 में, तो उन क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन सबसे पहले मैं ही दूंगा, ना मेरा दावा है, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ अदर फैक्ट्स के साथ, ओके, बने रहिए और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।